बगा के तिरुपति चीनी मिल के खिलाफ गन्ना किसानों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। नरवल बरवल पंचायत भवन प्रांगण में किसानों ने ई काश्तकार संघ के बिहार प्रदेश सचिव छोटे श्रीवास्तव के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने चीनी मिल प्रबंधन पर घटतौली, गन्ना चालान में भेदभाव और अन्य अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। गन्ना किसानों का कहना है कि पहले से ही मौसम की मार झेल रहे हैं, वो अब चीनी मिल की मनमानी से परेशान है। तिरुपति चीनी मिल सीमावर्ती उत्तर प्रदेश से गन्ना खरीद रही है, जबकि स्थानीय किसानों की उपज को अनदेखा किया जा रहा है। यही नहीं, जिस 9301 प्रभेद के गन्ने की बुआई का सुझाव चीनी मिल प्रबंधन ने दिया था, अब उसी गन्ने की आपूर्ति का प्रतिबंध लगाया जा रहा है। यह है कि तिरुपति सुगर मिल बगहा चीनी मिल जो है वो किसानों के साथ काफी नाइंसाफी कर रहा है। इसी को लेकर हम लोग पूरे किसान संघ के लोग आज हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी से मिले हैं, जिसमें डीएसपी साहब, सीओ साहब, बीडीओ साहब सारे लोग उपस्थित थे। उसमें 93.01 पर रोक लगाया गया है, इसको लेकर बात हुई है। इसके अलावा घटतौली पर भी बात हुआ है कि चीनी मिल घटतौली कर रहा है। इसके अलावा जो भी बाहरी गन्ना जो है इसको पूर्णतः बंद करने की बात हुई है और यहाँ के स्थानीय किसानों को प्राथमिकता का आधार पर चालान दिया जाए, इस पर भी बात हुआ है। मामला है कि किसानों बगहा के चीनी मिल के अंतर्गत जो भी किसान है उनका गन्ना नहीं लिया जा रहा है, उनको बहुत शॉर्ट चलान दिया जा रहा है, वो भी सर्टेन वैरायटी के लिए। जो वैरायटी भी चीनी मिल के द्वारा लगवाया गया था उसका भी चलान नहीं दिया जा रहा है 93.01 का। उसके बाद यूपी के किसानों का गन्ना लिया जा रहा है, वहाँ चलान छीटा जा रहा है, इधर दिया नहीं जा रहा है, जिसका नतीजा यह है कि पानी से यहाँ का गन्ना सूख भी गया है और सूख रहा है, लेकिन यहाँ के किसान त्रस्त हैं। इसमें किसान संगठनों द्वारा शिकायत किया गया है कि इनका जो 93.01 जो वैरायटी है वो नहीं लिया जा रहा है, तो अभी मीटिंग के बाद ये इनको डायरेक्शन दिया गया है कि ऐसा बिल्कुल ना करें, किसानों का जो है वो 93.01 लिया जाए और वो बिल्कुल लिया जाएगा। दूसरा समस्या था कि इनका कहना था कि हमारे जो रिजर्व एरिया है उसके बाहर का गन्ना लिया जा रहा है।